हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केरला की, बिकॉज केरला में कल रात को एक प्लेन एक्सीडेंट हो गया है। ये प्लेन दुबई से लौट के केरला की तरफ जा रहा था, लेकिन लैंडिंग के टाइम पर वहां पर भारी वर्षा या हैवी रेन की वजह से वो स्लिप कर गया और वहां नीचे वैली में जाकर गिर गया। सो इस एक्सीडेंट में एटलीस्ट 70 लोगों की डेथ हो चुकी है और बाकी जो काफ़ी सारे लोग वहाँ घायल है। सो आज के लक्ष्य में से भी ये देखेंगे। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, उनका ट्विटर हैंडल का कटआउट है। उन्होंने इस इंसिडेंट पर केरला के लोगों के लिए कंडोलेंस दिए और बोला कि केरला के डीपली डिस्टर्ब टू हियर अबाउट द ट्रेजिक प्लेन क्रैश ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट एट द कोझिकोड ऑफ केरला। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने केरला के गवर्नर के साथ बात की है और इस इंसिडेंट की जानकारी ली है। इस एक्सीडेंट में एटलीस्ट 18 पीपल वर किल्ड आफ्टर द एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन, जो ये प्लेन एयर इंडिया का था जो कि दुबई से आ रहा था और केरला की तरफ, और इसमें 190 पैसेंजर थे विद क्रू मेंबर। सो इस एक्सीडेंट में ये जब रनवे पर आया तो वहाँ पर इसका स्लिप हो गया। सो इसमें यह प्लेन एक वैली में गिरा और वैली जो खाई में वहाँ पर इसके दो टुकड़े हो गए। सो वाइल लैंडिंग एट द केरला के कोझिकोड में, ये जब गिरा था तो उसके प्लेन के दो हिस्से हो गए, ऐसा पुलिस का कहना है। सो अमंग दोज किल्ड उनमें मरने वालों में से और दो पायलट भी थे जो कि इस प्लेन को उड़ा रहे थे। यह मैप केरला का मैप है, इसमें कोझिकोड ये लोकेशन है जहाँ पर ये प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है। कोझिकोड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है। और ये इमेज है उस रनवे की जहाँ पर ये हुआ। प्लेन इधर से आ रहा था और इधर आया और दिस इज़ द क्रैश साइट, ये क्रैश साइट है और ये 35 डीप वैली है। प्लेन यहाँ से फिसलते हुए स्लिप करते हुए इस वैली में गिर गया। सब जब ये गिरा तो इस प्लेन के दो हिस्से हो गए। भारी वर्षा की जो हैवी रेन वहाँ पर काफ़ी दिनों से हो रही थी, उस रेन की वजह से वो ये रनवे थोड़ा स्लिपरी हो गया तो प्लेन उस वैली में जाकर गिर गया और उस प्लेन के दो टुकड़े हो गए। जो दो पायलट ऑफ द एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन दैट स्किड ऑफ द रनवे एंड ब्रोक इन टू टू एट द केरला कोझिकोड वर विंग, जो उनमें से दो पायलट हैं उनमें से एक दीपक वसंत साठे और सेकेंड वन अखिलेश कुमार, ये दो पायलट हैं जिनकी इस प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो गया। इनमें से जो विंग कमांड जो हमारे दीपक साठे थे वो ऑलरेडी फॉर्मर फाइटर पायलट थे जो कि इंडियन एयरफोर्स के थे। उन्होंने बताया कि इस एयरक्राफ्ट जब लैंडिंग करने में टाइम लगा रहा था, बिकॉज ये इसकी दो लैंडिंग ट्राई करने के बाद ये इसकी तीसरी लैंडिंग थी और इससे पहले वो दो ट्राई तो कर चुका था लैंड का। एंड सम ऑफिशियल सेड, और वहाँ के कुछ ऑफिशियल बोलते हैं कि द लैंडिंग गियर हैड फेल्ड, जब लैंडिंग करते टाइम ये लैंडिंग गियर फेल्ड हो गया था, लैंडिंग गियर हैड फेल्ड एंड पायलट ने ऑलरेडी दो ट्राई करने की वजह से जो फ्लाइट का जो फ्यूल होता है उसको ऑलरेडी एम्प्टी कर चुका था, जिसकी वजह से फॉर्चुनेटली उस फ्लाइट में आग लगने की सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। ऑलरेडी जो दो ट्राई किए थे उसके वजह से वहाँ फ्यूल कम हो गया था। इस सिचुएशन की वजह से उस फ्लाइट में आग लगने की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। यह कटआउट द हिंदू न्यूज़पेपर के आज के न्यूज़पेपर जो 8 अगस्त उसका न्यूज़पेपर कटआउट है, इसमें लिखा हुआ है कि जो 2011 में जो रिपोर्ट आई थी DGCA ने, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कैलीकट के एयरपोर्ट की जो कंडीशन थी वो अनसेफ बताई थी। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, बिकॉज इस रिपोर्ट से एयरपोर्ट रनवे की जो क्वालिटी है क्वालिटी पर भी डाउट होता है और इससे सेफ्टी मेजर्स को भी पूरी तरह से और इस एयरपोर्ट जो रनवे है उसमें पूरी सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में देर इज़ ओनली ए 90 मीटर सेफ्टी एरिया, जो कि जो एंड और रनवे का जो एंड एरिया है वो ओनली सिर्फ 90 मीटर, जो कि एटलीस्ट 200 मीटर होना चाहिए था। और सिमिलरली जो दोनों बोथ साइड का जो रनवे होता है वो ओनली 75 मीटर
का था एरिया था, लेकिन वो होना चाहिए था एटलीस्ट 150 मीटर का। सो इसमें काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया जा रहा था। सो ऐसा बात बोला है कि वहाँ के जो सेफ्टी एक्सपर्ट है मोहन रंगनाथन, इन्होंने इस रिपोर्ट को उसमें पार्ट कंट्रीब्यूशन दिया था। सो इस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट में सेफ्टी मेजर्स को थोड़ा इग्नोर किया गया था। सो जिसमें जो सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरह से इसमें फॉलो भी नहीं किया था। सो ऐसे बिकॉज इसी वजह से ऐसे ही इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, जो कि मई 2010 में ऐसे ही एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें 158 लोगों की मौत हो गई थी, जब और सेम एयर इंडिया का फ्लाइट थी वो, और वो भी मैंगलोर एयरपोर्ट पर। देन सेकेंड इंसिडेंट जुलाई 2019 में हुआ था, वो मैंगलोर एयरपोर्ट पर, बट उसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। सो इन्हीं सेफ्टी मेजर्स की वजह से ऐसे इंसिडेंट ऑलरेडी पहले हिस्ट्री में हो चुके हैं। सो ये केरला के पीपल्स की चॉइस है, जो कि केरला के जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो उनकी टॉप डेस्टिनेशन है बाहर की कंट्रियों में, तो सबसे वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूएई की, बिकॉज ये जो फ्लाइट आ रही थी वो दुबई से लौट के केरला में आ रही थी। सो केरला के लोग सबसे ज़्यादा यूएई को प्रेफर करते हैं, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, देन कतर, देन ओमान, देन कुवैत, देन यूएसए। सो इसी वजह से केरला के मोस्टली पीपल्स गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा वो अपनी जॉब करते हैं। सो ये जो फ्लाइट आ रही थी, यह फ्लाइट वंदे भारत मिशन का एक पार्ट ये वंदे भारत मिशन का पार्ट थी, जो कि इस वंदे भारत प्रोग्राम में इसमें जो कोरोना वायरस जो पैंडेमिक चल रहा है, तो जो इंडिया के बाहर जो लोग फंस गए उनको वहाँ से लाकर इंडिया में ला रही थी। सो वनडे भारत मिशन, जो पूरी तरीके से इसको पढ़ते हैं, जो वनडे भारत मिशन है वो बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है जो इंडिया की, जिसमें इंडियन सिटीजन को बाहर से या अब्रॉड से इंडिया में लाया जा रहा, जो कि जो अभी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम में। सो अभी इंटरनेशनल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा, सो इस इंटरनेशनल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन में तो जो बाहर जो इंडियन हैं वो अभी इंडिया नहीं आ सकते। सो इस मिशन की वजह से या इस मिशन की हेल्प लेते हुए उन लोगों को जो बाहर जो इंडियंस फंसे हों उनको इंडिया में लाया। सो इसको कंसीडर किया जाए कि ये लार्जर एक्सरसाइज है जो हिस्ट्री में, जो इससे पहले भी एक्सरसाइज हो चुकी है, जो इसमें 177,000 लोगों को गल्फ कंट्री से, गल्फ रीजन से लाया जा रहा था, जो कि 1990 में हुआ था, जो कि कुवैत के टाइम, जो उन लोगों को कुवैत से लाया जाता है, बिकॉज उस टाइम फर्स्ट गल्फ वॉर स्टार्ट हो गई थी। सो उस जो 1990 में जो एक्सरसाइज, उसमें सिर्फ 177,000 लोगों को लाया, लेकिन ये जो अभी वंदे भारत मिशन है ये इससे भी ज़्यादा बड़ा मिशन है। सो इसको सबसे बड़ी एक्सरसाइज कंसिडर किया जा रहा है। सो दिस मिशन हैज़ गिवन द प्रायोरिटी, बिकॉज इस मिशन ने सबसे प्रायोरिटी इंडियन सिटीजन को दी जा रही है। इस मिशन में प्रायोरिटी इंडियन सिटीजन को दी जा रही है, जो कि उनके पास जेन्युइन रीज़न हो इंडिया में आने का, लाइक उनका एम्प्लॉयमेंट या उनकी जॉब टर्मिनेट हो चुकी हो, या उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला हो, या वो किसी तरीके से अपनी वीज़ा को रिन्यू नहीं करा पा रहे हों, या और भी कुछ ऐसे हों जो या अपनी फैमिली को लॉस्ट कर चुके हैं। सो ऐसे जेन्युइन रीज़न होने चाहिए अगर वो इंडिया में आना चाहते हैं वापस। जो कोस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है, वो सारी की सारी पैसेंजर को ही देनी होगी इसमें। इसके अलावा एक और मिशन है जिसमें, ये तो एयर का, तो इसमें दूसरा मिशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इस समुद्र सेतु ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसमें इंडियन नेवी उसने लॉन्च किया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें उसमें वो मालदीव्स में फंसे जो लोग हैं, जो कोविड नाइन्टीन की वजह से मालदीव में जो इंडियन फंसे हैं उनको इंडिया लाया जा रहा बाय वाटर वेज। सो इसमें INS जलस्व, देन INS मगर, इसमें इंडियन नेवी यूज़ कर रही है। सो बींग ऑपरेटेड एज पार्ट ऑफ द एफर्ट टू रिक्रिएट इंडियन नेशनल फ्रॉम फॉरन सोर्स, जो मोस्टली जो मालदीव्स में फंसे हुए हैं। सो इसमें दो शिप्स जो इंडियन नेवी की यूज़ की जानी है। सो दिस ऑपरेशन एज पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन, सो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु वंदे भारत मिशन का ही पार्ट है। सो ये कटआउट न्यूज़पेपर का इसमें बताया जाओ कि, क्योंकि कल केरला में एयर प्लेन क्रैश होने के अलावा मॉर्निंग में लैंडस्लाइड भी हुई थी, बिकॉज वहाँ भी केरला में भारी वर्षा हो रही है। सो इस भारी वर्षा की वजह से वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो गई। सो 15 डेड इन लैंडस्लाइड इन केरला आफ्टर हैवी रेन, और उसमें से 15 रेस्क्यू कर सकते हैं। सो इसमें
इसमें लैंडस्लाइड भी हुई है केरला में. सो इस एयरप्लेन केस के अलावा लैंडस्लाइड भी. सो एटली 15 पीपल वर डेड एंड जो रेन हो रही थी, जो ये लैंडस्लाइड हुई है वो केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हो रही थी. सो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. सो ये बात बोली गई चीफ मिनिस्टर के द्वारा फ्राइडे इवनिंग में उन्होंने बताया. सो ऑफिशियल सेड द लैंडस्लाइड हैपनिंग द राजमलाई एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ अराउंड 25 किलोमीटर फ्रॉम द टूरिस्ट टाउन ऑफ मुन्नार. जो राजमलाई एरिया है जो 25 किलोमीटर दूर है मुन्नार डिस्ट्रिक्ट से. सो ये जो लैंडस्लाइड भारी वर्षा के कारण वहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से ये लैंडस्लाइड हो गई. सो केरला कल का दिन कल का जो दिन था केरला के लोगों के लिए काफ़ी बहुत बुरा था रात, बिकॉज कोरोना के अलावा उनको ऐसी दो और चीज़ों से टैकल करना पड़ा. सो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाँ के जो लोग हैं जो एक साथ इन दोनों चीज़ों को टैकल कर रही है. सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. धन्यवाद.